Dear students, now we continue our subject science class 6. We were studying chapter 3 fiber to fabric. Last video में हमने some other fibers study किए थे, जिसमें हमने आपको wool और silk study कराए थे. Now we start coir. Coir is a coarse fiber obtained from the fibers outer covering of the fruit of coconut. कोयर एक मोटा फाइबर है जो क्या कहते हैं कोकोनट फ्रूट के आउटर कवरिंग के फाइबर से प्राप्त होता है, यानी कोकोनट फाइबर की जो आउटर कवरिंग होती है उसके फाइबर से ये कोयर फाइबर हमको प्राप्त होता है. ओके, इट इज अ वाटर प्रूफ फाइबर. ये वाटर प्रूफ फाइबर है. देट इज यूज टू मेक रोप्स, मेट्स, डोरमेट्स, ब्रशेस एंड स्टफिंग ऑफ मेट्रेसेस एंड प्लोज. इसका उपयोग किया जाता है रस्सी बनाने में, चटाई बनाने में, दरवाजों के मेट्स बनाने में, ब्रशेस बनाने में और गद्दों और तकियों में भरने के लिए यूज होता है. ओके, नेक्स्ट हेम्प. ये हेम्प को सन पर्सन बोलते हैं, इसको भारतीय हेम्प भी कहते हैं. हेम्प इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द हेम्प प्लांट. हेम्प प्राप्त होता है हेम्प प्लांट की स्टेम से. इट इज यूज टू मेक रोप, कारपेट्स, नेट एंड क्लोथ. इसका यूज होता है रोप्स बनाने में, यानी रस्सी बनाने में, कारपेट्स बनाने में, नेट बनाने में और कपड़े बनाने में. ओके, ये हेम्प का प्लांट. नेक्स्ट फ्लेक्स. लिनेन फैब्रिक इज मेड फ्रॉम द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द फ्लेक्स प्लांट. जो लिनेन फैब्रिक है, यानी जो लिनेन का जो क्लोथ मटेरियल है, ये बनता है फाइबर से जो क्या कहते हैं फ्लेक्स प्लांट के स्टेम से ऑब्टेन होता है. ओके, इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ रोप्स एंड हाई क्वालिटी पेपर. इसका उपयोग होता है रोप्स के प्रोडक्शन में, यानी रस्सी बनाने के उसमें, और हाई क्वालिटी पेपर यानी उच्च स्तर का पेपर बनाने में इसका यूज होता है. अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर में फर्स्ट है नाइलोन. इट इज सिंथेटिक फाइबर इंट्रोड्यूस इन 1938. ये सिंथेटिक फाइबर है जो 1938 में इंट्रोड्यूस हुआ था, यानी इससे परिचय हुआ था. व्हेन नाइलोन स्टोकिंग फर्स्ट एपियर, जब नाइलोन को स्टोर्ड कर फर्स्ट बार स्टोर्ड हुआ था. इट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग येट वेजेस लेस देन एनी अदर कॉमनली यूज फाइबर. ये स्ट्रॉन्ग मजबूत है, इसके साथ ही ये जो अन्य जो कॉमन फाइबर्स होते हैं, जो अन्य कॉमन फाइबर का जो यूज किया जाता है उसकी अपेक्षा ये हल्का होता है वेट में. नाइलोन फाइबर इज स्मूथ, नॉन एब्जॉर्बेंट, ड्यूरेबल एंड ड्राई स्वीटली. जो नाइलोन फाइबर है ये चिकना होता है और ये नॉन एब्जॉर्बेंट यानी सोखता नहीं आसानी से. ड्यूरेबल है, लंबे समय तक इसका यूज कर सकते हैं एंड ड्राई स्वीटली और आसानी से ये सूख जाता है. इट इज इलास्टिक एंड रेजिलिनेट एंड सो नीड नो आयरनिंग. ये इलास्टिक इनमें खिंचाव होता है एंड रेजिलिनेट यानी लचीले होते हैं एंड सो नीड नो, इसलिए इनमें प्रेस की जरूरत नहीं होती, मतलब आयरन इसमें नहीं करना पड़ता है. नायलोन मेल्ट्स एट हाई टेम्परेचर. जो नायलन्स होते हैं हाई टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाते हैं यानी पिघल जाते हैं. जब बहुत हाई टेम्परेचर होता है तो नायलोन पिघल जाते हैं. ओके, नेक्स्ट है एक्रेलिक. इट इज यूज इन मेकिंग क्लोथ एंड कारपेट्स. जो एक्रेलिक है इनका यूज क्लोथ और कारपेट बनाने में किया जाता है. इट इज लाइट वेट, ये हल्के होते हैं एंड वार्म और गर्म होते हैं एंड इज वेरी सिमिलर टू बुल. और एक बुल के सिमिलर होते हैं, यानी ये बुल के समान होते हैं. ये और बुल आपस में दोनों में बहुत अच्छे से समानता होती है. ओके, नेक्स्ट है पॉलिस्टर. इट इज अ सिंथेटिक फाइबर. यह भी सिंथेटिक फाइबर है, प्रोड्यूस्ड चीफली बाय रिएक्शन ऑफ डायबेसिक एसिड्स विथ डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स. तो ये मुख्यतः प्रोड्यूस किए जाते हैं डाइबेसिक एसिड और डाइहाइड्रिक एल्कोहल के रिएक्शन के साथ. इट इज अ स्ट्रॉन्ग फाइबर, ये एक मजबूत फाइबर है. रेजिस्टेंट टू क्रीज, मैंने इसमें सिकुड़ने नहीं पड़ती है एंड दस कीप इट सेफ, इसलिए अपना सेफ बनाए रखता है. पॉलिस्टर इज स्ट्रॉन्ग, लाइट एंड
वेदर रेजिस्टेंट, जो पॉलिस्टर होता है मजबूत होता है, हल्का होता है और इस पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये देखिए पॉलिस्टर फैब्रिक्स दिखाए गए। थैंक यू।